आज के फोकस में हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की। जी हाँ, आज के समय में स्टार्टअप कामयाबी की पहचान बन चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार जहां नवाचार को बढ़ावा दे रही है, वहां इसके जरिए रोजगार सृजन भी हो रहा है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने एक लिखित उत्तर में स्टार्टअप को लेकर जानकारी भी साझा की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। स्टार्टअप कारोबार करने की पुरानी पद्धति की ओर एक नया अप्रोच है, जिसे आज के दौर में कारोबार का इनोवेटिव रूप माना जाता है। आज न जाने कितने ही स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। एक तरफ जज्बे से भरपूर युवा अपनी मेहनत के बल पर कुछ नया करने में जुटे हैं, तो वहीं सरकार की नीतियां कदम कदम पर उन्हें मजबूती प्रदान कर रही हैं। देश में नवोन्मेषन, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल की गई थी। इस पहल का नतीजा है कि सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 तक 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है, जिसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसायों में अलग अलग चरणों में सहायता देने के लिए प्रमुख योजनाओं जैसे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स की सहायता के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप को लागू किया है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट शामिल हो रहे हैं। इस दौरान DPIIT और स्टार्टअप इंडिया के इनोवेशन की सफलता को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत में अब तक लगभग 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 340.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। विदेशी और स्थानीय निवेश भारतीय स्टार्टअप्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 30 यूनिकॉर्न कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े टर्नओवर वाली भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन 30 यूनिकॉर्न कंपनियों में से लगभग 18 यूनिकॉर्न कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए एक तरफ विकास को गति मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित राष्ट्र की तरफ भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इस लक्ष्य को पाने के लिए देश के युवा और सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं, और स्टार्टअप इंडिया भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यही वजह है कि इनकी जो भूमिका है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी नज़र आ रही है। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी जुड़ चुके हैं, जो कि नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर चिंतन। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो एक पहल की गई थी स्टार्टअप इंडिया को लेकर, क्या माना जाए आज के समय में वो फलीभूत होती नज़र आ रही है? आप 2016 की बात करें, जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ जी, तब हमारे देश में जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो करीबन 100 के करीब स्टार्टअप्स थे। आज ये 1,14,000 आपने जैसे बताया हो चुके हैं, और ये तो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अगर आप ऐसे भी स्टार्टअप्स जो जिनको हम दर्ज नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर आप देखें हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रीज़ में वगैरह, जो कोशिश शुरू जारी हो चुकी है लेकिन वो अब तक स्टार्टअप के हिसाब से रजिस्टर नहीं हुए, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, वो और भी बढ़ सकता है, दुगुना हो सकता है जी, करीबन जी डॉक्टर चिंतन। लेकिन किस तरीके से जो स्टार्टअप्स, जिस तरीके से उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, सरकार की नीतियां काफ़ी हम कह सकते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अलग अलग जो नीतियां चल रही हैं, आर्थिक मदद उनको दी जा रही है, रोजगार सृजन की अगर बात की जाए, क्या किसी तरह का कोई आधिकारिक आंकड़ा कि इसके जरिए कितना रोजगार जो है वो अभी तक निकला है? जी करीबन एक स्टार्टअप इसके आंकड़े जो हैं थोड़ा रेंज है, लेकिन करीबन मान सकते हैं कि मिनिमम 5 से 6
जॉब्स एक स्टार्टअप पे एवरेज बनते हैं, अगर हम ये 1,14,000 स्टार्टअप्स ले लें तो 1,00,000 यानी 5 से 6 लाख जॉब इससे बने हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो करीबन 10 से 11 जॉब्स एक स्टार्टअप्स में निकलते हैं जी। 1,00,000 स्टार्टअप से आपके 10,00,000 जॉब्स बन चुके हैं। बिल्कुल जी। और ये जो प्रत्यक्ष रूप में जो रोजगार मिल रहा है वो है, अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये आंकड़ा उसको भी आपको 3 से 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा जी। या 10,00,000 की बजाय करीबन 30 से 50,00,000 लोगों को जी एक से छोटा मोटा रोजगार इससे मिल रहा है। यानी जो इसके जरिए जुड़े हुए हैं, किस तरीके से उनकी आजीविका जो है वो इसके जरिए चल रही है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर चिंतन, अगर देखा जाए इनोवेशन को ज़्यादा जो तरजीह है वो दी गई है सरकार द्वारा, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, और उसी का नतीजा है कि अब हम नए लक्ष्य जो हैं वो स्थापित कर रहे हैं, नई उपलब्धियाँ जो हैं वो अर्जित कर रहे हैं जी। देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जैसे हमारे यहाँ छोटे मोटे रोजगार तो सदियों से चले आ रहे हैं जी, तो इनमें और स्टार्टअप्स में डिफरेंस क्या है? तो इनमें मेन डिफरेंस नवाचार और इनका जो बिजनेस मॉडल जो स्केल हो सके, जैसे आपने देखा है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, पेटीएम है, जोमेटो है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे जो कन्वेंशनल रोजगार जो रहे हैं जी, और स्टार्टअप्स में डिफरेंस ये है कि स्टार्टअप्स इनोवेटिव हैं और ये जल्दी से स्केल हो सकते हैं, और इसलिए आगे के समय में भी कुछ स्टार्टअप ऐसे निकलेंगे जो बहुत ज़्यादा रोजगार जी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत फंडामेंटल बात एक ये है कि हमारे देश में आप देखें तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहां रिस्क लेना एक अच्छी बात समझा जाए, लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां युवाओं का एक रिस्क लेना, अपने जहन में जो आइडिया है उसके ऊपर काम करना जी, इसको बढ़ावा दिया जाता है जी, और सिस्टमैटिकली सपोर्ट किया जाता है। तो ये युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ जी। और खासतौर से डॉक्टर चिंतन, अगर देखा जाए, क्योंकि अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो भी हैं कि लगातार कैसे इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की, क्योंकि अगर जो हमारे विश्व की अगर हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन शायद सरकार अपनी नीतियों के भरोसे और युवाओं पर भरोसा जता रही है और इसका भी फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता हो अब दिखता है जी। जी बिल्कुल। और ये जो स्टार्टअप्स जो जिस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जी, वो ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जाने से डरती हैं, या डरती यानी इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना जो फिलहाल जो बिजनेस का क्षेत्र है जी, उनके कस्टमर्स हैं वगैरह, उन पे ध्यान रखना होता है। काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जो समस्या तो हमें पता है लेकिन उसका कोई हल कैसे निकले वगैरह, वो करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, खास करके मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जी, अब तक जो हैं वो नहीं रहे हैं, जो ये स्टार्टअप्स बन चुके हैं। जैसे अगर आप कोई भी क्षेत्र ले लें, जैसे कृषि का क्षेत्र ले लें जी, कृषि में मैकेनाइजेशन जो है हमें पता है हम करना है, लेकिन ये छोटे छोटे आइडियाज जो हैं ये हमारे स्टार्टअप्स इस पे काम करने लगे हैं। सिमिलर अगर आप ले लें कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी का आइडिया है, तो क्रॉप फसलों को जो हवामान जब बदलता है तो उसको रेजिलियंट कैसे बनाएं जी, ऐसे आइडियाज हैं, ये स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं। जैसे आपकी आपका उत्पादन हो गया, उसको पूरे देश में कैसे सरलता से पहुंचाया जाए, ये काम स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो यानी तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम हम कह सकते हैं जो स्टार्टअप्स हैं हमारे वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको हमें दोनों को साथ में देखना है, हमें दोनों चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए जो अच्छे आइडियाज हैं,
जो आइडियाज़ का फ़ायदा सबको होना चाहिए उसको स्केल कर पाएँ, लेकिन हमें स्टार्टअप्स भी चाहिए जो ऐसे आइडियाज़ जो कोई नहीं काम कर रहा है उस पर काम कर सके। जी डॉक्टर चिंतल, लेकिन ऐसे में जो यूनिकॉर्न श्रेणी है वो उस तरफ अगर देखा जाए तो उसके ज़रिए बड़ा लाभ मिल रहा है, और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो वहाँ भी लगातार हम नए पायदान पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ क्या किस तरह के लक्ष्य हैं अभी हमारे? जी जी, तो इस साल जैसे आप जानते हैं जब हम G20 के अंतर्गत एक ही नया एंगेजमेंट ग्रुप बना भारत की अध्यक्षता में, वो था स्टार्टअप 20 जी। मैं स्टार्टअप 20 को चेयर कर रहा था जी। तब हमने जो स्टडी किया उसमें हमें पता चला कि विश्व भर में कुछ G20 देश ही अगर आप ले ले तो 850,000 के करीब स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 1600 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 100 आपने जैसे बताया 108 यूनिकॉर्न्स हमारे यहाँ हैं। यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो काफी इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में ला रहे हैं। यानी सीधे तौर पे डॉक्टर चिंतन, मान लिया जाए कि जो निवेश हो रहा है इनके जरिए उससे विकास को कहीं ना कहीं गति मिल रही है। बिल्कुल, और विकास को गति मिल रही है, और दूसरा ये कि हमारा जो एक कल्चर है इन्वेस्टमेंट का जी, वो धीरे धीरे बदल रहा है। जब कोई बाहर से आके आपके स्टार्टअप्स में आपके आइडियाज पे इन्वेस्ट करने को तैयार है तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैं क्यों ना करूं। जी बिल्कुल, तो यही एक नई सोच जो है स्टार्टअप के जरिए बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कारोबार वही है लेकिन इसमें एक नई अप्रोच है, इनोवेटिव रूप जो है कारोबार का वो उसको अब माना जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चिंतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।